मुद्दों पर खरा उतरेंगी। दर्शना विक्रम जारदोश सूरत से लोकसभा सांसद हैं। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान 11 महिला मंत्रियों की तस्वीर पूरे देश ने देखी। एक ऐसी तस्वीर थी जो शायद पूरे देश की महिलाओं को काफी जोश दिलाई राजनीति में आने का, और उन 11 महिलाओं में से एक थी दर्शना बेन जरीदो, जो सूरत से 3 बार की सांसद है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। टेक्सटाइल वस्त्र कपड़ा मंत्रालय और रेलवे दोनों का राज्य मंत्री का प्रभार मिला है। दर्शना बेन, बहुत बड़ी उपलब्धि, 3 बार की सांसद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने बहुत विश्वास से ये मंत्रालय सौंपे है, और जैसे सीनियर्स कैबिनेट मंत्री पीयूष गोयल जी और वैष्णव जी के साथ मिलकर ये परफॉर्म भी करना है तो आगे चल के बहुत अच्छा काम करेंगे। चैलेंज बहुत बड़ा है, कपड़ा मंत्रालय जहां स्मृति जी काम करती थी। मैं सूरत से बिलोंग करती हूं, स्मृति जी के साथ संगठन में भी काम किया है और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के तौर पर काफ़ी इश्यूज उनके साथ देखे भी है, तो ये तालमेल तो पुराना था। उन्होंने बहुत अच्छा ये मंत्रालय को एक आगे लेके गए हैं और मैं और पीयूष जी और आगे लेके जाएंगे, क्योंकि मेक इन इंडिया ब्रांड बनानी है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में उन्होंने जो सोचा है, जो सबसे बड़ा मंत्रालय मेरे हिसाब से जो कपड़ा जो है, और 17 साल के बाद में सूरत से मंत्री थे और उसके बाद में 17 साल के बाद में ये मंत्रालय जो सूरत का बेसिक जो मंत्रालय के रिलेटेड जो व्यवसाय है उसके हिसाब से मिला है, तो उसका न्याय करने का प्रयत्न करेंगे। हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि रेलवे को लेकर गुजरात के साथ काफ़ी अन्याय होता है। आज़ादी के बाद से हमेशा काफ़ी कई जगहों पर रेलवे लाइन तक नहीं पहुंची थी। काफ़ी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए, क्योंकि कई जगह अभी अछूते हैं जहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जितने भी मंत्री रेल मंत्री से जुड़े, जैसे सुरेश प्रभु जी, पीयूष जी, और अभी उन्होंने एक नया आयाम किया है, नई एक ऊंचाई पे लेके गए हैं मंत्रालय को, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में एक नया स्वरूप दिया है, और ये जो नए मंत्री वैष्णव जी उनके साथ मिलके हम एक टीम वर्क से काम करके आगे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में काम करेंगे।